नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं सच तक 24। बिहार में सरकार का पलट गया कि सारे लोग का दिमाग ही पलट गया है। अब लोग बोल रहे हैं कि ना अब जंगर राज आ जाएगा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जंगर राज कैसे आ जाएगा, जब इतना दिन में नहीं आया तो अब काहे लाया जाएगा। हम ये सब नहीं मानते हैं कि जंगर राज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसी पर कुछ आपको ऐसा चीज बताएंगे कि आपका भी आंख खुल जाएगा कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। सबसे पहला बात, हम आप लोगों को युवाओं को रोजगार के बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे रोजगार के मामले में, तब नीतीश कुमार ये बता रहे थे तेजस्वी यादव कि कहां से आप दीजिएगा, रखे हैं कि कहीं से लाइएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं, ये खुद नीतीश कुमार बोल रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे, सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे, जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा, क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा, क्या मिलेगा, या जेलवे से आएगा, कहां से आएगा? नहीं, तेजस्वी यादव पहले जानते हैं नीतीश कुमार को क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार सरकार है बेशर्म है, बेहुदा है। तो आप बताइए कि बेहुदा आदमी के साथ अब सरकार काहे ला बनाए हैं? यानी बात साफ है कि बेहुदा आदमी के साथ कौन जाता है। अगर ये बताइए कि अगर आपका कोई दोस्त, चाचा, मामा, फूफा, मौसा अगर बेहुदा है, तब तो जाइएगा ना उसके साथ? कैसे आप बोलिएगा बेहुदा है, या जो जाएगा तो आपको भी बोलेगा अगर बगल वाला, तू हो तो साफ बेहुदा है, तबे ना गया है बेहुदा आदमी के साथ। ये हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि बेहुदा है, बेशर्म है। और इसका क्या क्या माने बिहार में लोग सोचते हैं वो लोग खुद समझ जाएंगे, हम नहीं बताएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं रोजगार पे। जब भाजपा में थे नीतीश कुमार तो रोजगार नहीं था, अच्छा सभी लोग रोजगार में थे। और जैसे ही पार्टी पलट गया तो नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान से बड़का छक्का मार देते हैं, का तो हम 20 लाख रोजगार देंगे। कैसे दे दीजिएगा महाराज, 17 साल में नहीं दिए तो 3 साल उसकी पार्टी में रहिएगा तो दे दीजिएगा, देखते हैं। हाँ, लेकिन ये वो काम बहुत अच्छा किए हैं, याद आ गया तो आपको बता देते हैं। हम इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, जाके देख लीजिएगा, कि जो अग्निवीर आया था ना युवाओं के लिए कि 40 साल से 4 साल कर दिए, बहुत अच्छा है, लोग करेगा, काम खत्म। लेकिन अब हमारा बात मान लिया, हम कहे थे कि विधायकों को, मंत्रियों को भी अग्निवीर बना दीजिए, लेकिन आप ऐसा उल्टी मारे कि बात सही निकला और 2 साल में ही सबको नेताओं को अग्निवीर बना दिया है। जो मंत्री लोग रात को ही सपना देखते थे कि हम कल से दूसरे का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, आ सुबह होते होते उन लोगों का स्वास्थ्य खुद बिगड़ गया, जानते हैं क्या है, कैसे वो लोग खुद अग्निवीर हो गए। आज जो मंत्री, जो विधायक ये नहीं कभी सोचा था कि हम मंत्रियों बनेंगे, वो लोग रातों रात मंत्री बन गया और करोड़ों का नहीं अरबों का सपना देखने लगा। तब देख लीजिए, फर्क बस इतना है कि आप हमारे बात को मान गए हैं और अग्निवीर के जगह अग्निवीर नेता लोग को बहाल कर दिए हैं। अब आप समझ लीजिए कैसे अग्निवीर मंत्री हम कह सकते हैं कि 2 साल वो लोग रहे, ये लोग 2.5-3 साल में खत्म हो जाएंगे। यानी बात साफ है कि 2.5-2.5 साल अग्निवीर तो हो ना गए। नीतीश कुमार जी, यह बात बहुत अच्छा से मानते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। और एक कहावत भी आ गया है, जैसे ही पार्टी में मिले हैं तो कुछ लोग वो कहावत कह रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। लगता है कि पड़वा भूखाइल बा, फिरू चारा खाई का, आ चेहरा उदास बा, सरकार गड़बड़ाई का। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसलिए आपको बता देते हैं, याद आ गया। अब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि चाचा हमको गाली दे रहे हैं, अब वह चाचा भतीजा और सरकार बना रहे हैं।